हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं रणमीन। तो गाइस हम अच्छा आ गई। तो गाइस हम लोग आए हैं बी क्रीमी, जो कि है बिस्मिल्ला। यहाँ पे है जूस आइसक्रीम थिक शेक का सेंटर है। यहाँ की कोई स्पेशलिटी होगी तो हम उसका करेंगे रिव्यू एंड आपको बताएंगे वो कैसे बनता है एंड टेस्ट करके बताएंगे कि एक्चुअल में वो कैसा है, अच्छा है या नहीं, आपको यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। है अहमदाबाद में, एज यूजुअल हम अभी अहमदाबाद में ही है तो वहाँ का ब्लॉगिंग है। आई शो यू द प्लेस फ्रॉम आउटसाइड, कीप वॉचिंग। गाइस तो हमने मेन्यू पढ़ा एंड हमने सोचा कि हम अगर आपको बेस्ट स्टफ बताना है यहाँ पे विद द मेकिंग ऑफ इट तो हम उनसे पूछ लेते हैं व्हाट वी शुड हैव। भैया भैया जी, तो क्या ऑर्डर करना चाहिए हमको? एक्सोटिक फ्रेश फूड बाउल। एक्सोटिक फ्रेश फूड बाउल, ओके। छह स्कूप आएंगे, फिरोज भाई बताएंगे इसमें कौन कौन सा स्कूप आता है। फिरोज भाई बताओ उसमें कौन कौन सा स्कूप आएगा। मैंगो आता है और दूसरा मारमलाई आता है, बलूसन आता है, चॉकलेट भी आएगा, चॉकलेट आता है और क्रीम आएगा, ड्राई फ्रूट आएगा, फ्रूट आएगा। ओके तो जैसे कि इन्होंने बोला हमको समझ में आया पर याद नहीं रहा। हाँ, तो काफी चीजें आएंगी, फ्रूट है और आइसक्रीम है, आई जस्ट लव आइसक्रीम, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। तो लॉट ऑफ स्टफ्स, तो वी आर ऑर्डरिंग दैट। भैया एक वो कर देना और हम थोड़ा बना के दिखा देंगे, ठीक है? Okay guys, enjoy the video and we'll tell you how it is. Bye. ओके गाइस, तो अभी जैसे आप देख रहे हो आइसक्रीम बन रहा है। देखते देखते अंकिता इतना एक्साइट और एक पीछे पीछे घूम रही है कि कब ये मेरे हाथ में आएगा। तो कीप वॉचिंग, एट द एंड अंकिता खाने वाली है सारे के सारे स्कूप्स। तो कितना एक्साइटेड होते हैं? सुपर, बहुत ज्यादा कलरफुल्स लग रहा है। इसमें फ्रूट है, इसमें ड्राई फ्रूट्स है, चॉकलेट है एंड आइसक्रीम है, लाइक फुली लोडेड एंड मैं बहुत डेस्परेट हूं खाने। मैं आ गया क्या मेरे के आ गया अब? ओके गाइस, तो इट लुक्स वेरी डिलीशियस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स लोडेड विद फ्रूट्स, एक्सोटिक
क्या नाम है, फ्रेश फ्रूट, जैसे नाम है वैसा ही अंदर काफी सारे फ्रूट्स हैं, काफी सारे फ्रूट फ्लेवर के आइसक्रीम स्कूप्स हैं। और बेस्ट चीज है कि हाइजीन काफी अच्छा है एंड सारे फ्रेश है, ऐसा नहीं कि कट करके रखा हुआ है आपके सामने ही कट करके आपने तो ऑलरेडी पूरा बनते हुए देखा है एंड अब टाइम है इसके रिव्यू का, हम टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि कैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि एक स्कूप में हम ट्राई करेंगे, वी ट्राई 3-4 स्कूप्स अलग अलग मतलब चम्मच ट्राई करेंगे एंड देन वी टेल यू कि एक्चुअली कैसा है, इज इट वर्थ और नॉट। फर्स्ट स्कूप एक साथ खाते हैं अलग अलग कहीं भी रैंडमली जो आ जाए। पहला स्कूप आई एम नॉट एन आइसक्रीम फैन बट मुझे अच्छा लगा, रियली में अच्छा लगा ये। सेकेंड स्कूप अलग जगह से लेते हैं, इसकी खासियत ये है ना, आप किसी भी जगह से लोगे ना अलग अलग स्पून आपको टेस्ट अलग अलग आएगा बिकॉज देयर आर मेनी स्कूप्स, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम्स हैं, तो आप कहीं भी अलग अलग जगह से उठाओगे ना तो टेस्ट बहुत ही अलग अलग आने वाला है। ओके, ये मैं सारे स्कूप ट्राई किया, अब मैं देखूंगा मेरा रिव्यू। इफ यू लाइक फ्रूट्स, आइसक्रीम, क्रीम, ड्राई फ्रूट्स, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन में आपको कुछ ना कुछ अगर अच्छा लगता है ना, दिस इज़ अ परफेक्ट कॉम्बो, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका, इट्स रियली यमी, देखते ही ऐसा लगता है कि कब खा लूँ इसे, बट टेस्ट करने के बाद काफ़ी बार ऐसा होता है कि दिखने में चीज़ें प्रेजेंटिंग बहुत अच्छी होती है बट जब खाते हो तो अच्छी नहीं लगती, बट दिस लुक्स रियली नाइस एंड ऑल्सो इट टेस्ट रियली नाइस। मैं रिकमेंड करूँगा हरेली इसको, बी क्रीमी जगह है सिंधुवन रोड अहमदाबाद में एंड ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा बिस्मिल्ला के नाम से। Guys, for me it's a go. आप यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हो, बहुत अच्छी जगह है और इनके पास काफी अच्छा मेन्यू है जो काफी सारे डिफरेंट, हर एक बच्चे हो या टीनेज हो या पेरेंट्स हो, सबके टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे कुछ ना कुछ है। अभी रेनी सीजन की वजह से ऊपर का फ्लोर थोड़ा नॉट अप टू दैट मार्क है बट इट इज़ अ रियली ब्यूटीफुल स्पॉट, तो जब रेनी सीजन खत्म हो जाएगा तो वहाँ पे विजिट कर सकते हो, ओपन में बहुत अच्छी जगह है बैठने के लिए, हम तो काफ़ी सारे ऊपर वीडियोस बना चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, वेल प्राइसिंग इज 350, ठीक है। अब 350 आप सोचो कि 350 इज इट वर्थ और नॉट, डेफिनेटली वर्थ है बिकॉज 350 के अंदर काफ़ी सारा लोड किया हुआ है इसके अंदर। अब नॉर्मल जगह पर एक अच्छी सी नॉर्मल सी आइसक्रीम खाओगे तो अभी आप कितना 80-100 रुपये 150 रुपये तो डाल ही दोगे, डिफरेंट आइसक्रीम मिल रही है एंड प्लस इट्स नॉट आप अकेले खा नहीं पाओगे, इट्स लॉट ऑफ थिंग, तो आप अपनी पार्टनर के साथ आए हो या फैमिली के साथ आए हो तो काफ़ी लोग इसको बैठ के खा सकते हैं एंड दे विल एंजॉय इट, मतलब 350 इज़ वर्थ क्योंकि काफ़ी लोगों के पेट में जाने वाला है, तो यस इट्स वर्थ। अभी हम नहीं रह पा रहे हैं, ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, वुड ईट इट, तो हम इंजॉय करते हैं। अंकिता सारा खत्म करते हैं उससे पहले मैं भी थोड़ा खा लूँ एंड गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, ये जो बोले वो करना, ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर, हैव फन।